जिस मकसद आया है वो मकसद पूरा हो। हाँ, जो भी आदमी इस आत्मा तरसे है, भूख से, किसी ने बच्चा होने की है, किसी ने रोग की है, किसी ने दुख की, जो भी शरण लेगा ने इसकी सच्ची आत्मा थे, तो भगवान उसकी नया पर जरूर। जी जी, एक आस्था है अपनी, हमारी जो आस्था है ने, उस आस्था के अनुसार परमात्मा सुने हमारी। देखो किस आस्था था यहाँ में, इमन कर आए तो चप्पल बदलन, इमाम ठीक कैसे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, भले अंदर ही खिली फूल तो फलवारी से मतलब क्या, और मन हो या एक निश्चित तो दुनियादारी से मतलब क्या, और खुद तलक तेरे नाम नहीं तो पटवारी से मतलब क्या। महाराज जी, जो आपके जो बोलिया करे सेवादार ला लो, आपके चेले ला लो, आपके भगत ला लो, कुछ भी ला लो, बड़ी बड़ी चीजें निकल के आने लग रही है। कैंसर की बीमारी, लकवते की बीमारी, पता नहीं क्या क्या के संकट है सारे। मगनानाथ जी महाराज, आप भी मतलब एक आशीर्वाद दो हो, पॉजिटिव एनर्जी है, वैक्यम ही ये सही चीज होने लग रही है। इसे इसे देखे अपने 7 साल हो गए कैंसर के, भाई एक तो एक लाभ बीमारी इसे आए हैं, अगर 5-5 6 नाली डल्ले उड़ाए हैं, अरे न्यू कहीं डॉक्टर ने वही ले जाके ने अपने घर ने सेवा कर लियो, जो 2 दिन का है। वे आदमी आज मंदिर मानेंगे नहीं, सेवा करे भंडारे लावे। महाराज बात करा, तपस्या तो तपस्या भी करी है आपने, किसी तरह की तपस्या? बहुत तरह की तपस्या, मन आत्मा की तपस्या करी है। अगर भाई मछली पानी बना रह जाएगी फिर मनु नहीं कह सकता भगवान को नहीं, भगवान पक्का है। देखने वाला होना चाहिए, देखनी चाहिए। तो भाई इतना सज्जा सत्तू था कि जिस दिन समाधि देनी हो, पहले दिन आत्मा की बात बताऊं भाई, मेरा तय नहीं बता दी थी मैं कल समाधि दूंगा भाई। अच्छा हाँ, नहीं 4 भाई और भी इसमें 4 मगननाथ महाराज जी ने बिल्कुल बता दी थी, मैं समाधि लूंगा कल भाई। बजरंग बली आया कुया, सभी रूप बदलती थी, बजरंग बली भी आता है, बजरंग बली की जय बोलो। लाल बेगू में, सैयद हूँ मैं, काली माता हूँ मैं, शेरा वाली माता हूँ मैं, भगत सिंह, उद्धम सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये क्या तो नहीं आए, सही तो नहीं, नहीं ये आए नहीं। देख यूरिया पैर पीजे हीरो तक मैं काटन का निशान दे दिया था, इतना पैर कटेगा? अच्छा मन छक्का हंड लिया गरीब आदमी, एक बता 14 महीने था पीजीआई में रहकर डॉक्टर ने कह दिया पैर कटेगा। तो एक गांव का महाराज जी था, पंडित जी महाराज था, वो मन ले गया, बोला भाई निन्नी बात से एक बाबा चलते थे, तो बाबा ने घी का जोत का घी दिया था कि भाई जोत के घी की मालिश कर ले रही मिश्री का प्रसाद और काली मिर्च खा ले बाबा की दात हो जाएगा ठीक। भाई आज मैं इस मंदिर में खूब सेवा पानी करता हूँ, भगवान की दात में टकाटक कर रखे और भाई बार क्या हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है आवाज हरियाणा पर भी साथ की साथ लाइव चलने लग रही है। मैं आपका स्वागत करता हूं सुशील सियाग, अहमद वास खेड़ा, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट तहसील लुवारू से आप लाइव जुड़ गए हो, और यहां पर एक ऐसा मंदिर है जो आप सुन के हैरान हो जोगे। उसके गृहस्थी की बात करा, उसके देश सेवा की बात करा, फौजी रहा है, फिर रिटायरमेंट होने के बाद साधु बनया है, उसकी ऐसी मान्यता है। प्रोग्राम था यहाँ पर, हर पनवासी को प्रोग्राम होता है, साल में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इतनी दूर दूर तक मान्यता है इस मंदिर की, भंडारे लगते बड़े बड़े, लोग पूरे हरियाणा से दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, पूरा राज पूरी पड़ताल करांगे। फिलहाल बाबा जी भी है यहाँ पर, डेरे पर कौन मानता है कौन नहीं है, और ग्रामीण भी बैठे है, सुबह सुबह का टाइम है, तो एक मुलाकात बाबा जी के साथ भी, एक मुलाकात ग्रामीणों के साथ भी और बाबा जी के साथ भी बातचीत करांगे। आखिर वो कौन इंसान थे, वो साधु क्यों बने, देश सेवा करने के बाद साधु बनना कोई छोटी चीज नहीं है, देश सेवा करना भी छोटी चीज नहीं है, उससे बड़ी गृहस्थी की भी चीज बताई जाओ, गृहस्थी भी सबसे बड़ी चीज है। तिनुआ का संगम होने के बाद लोग उसको याद करते हैं, ऐसा कारण क्या है? फिलहाल साधु जी से बात करांगे, महात्मा जी से बात करांगे, यहाँ पर ग्रामीण भी आए है, देख सकते हैं एक बार बाबा जी के पास बैठे हैं। प्रणाम आदेश महाराज, नाम पता बता दो एक बार। मेरा? हाँ जी, नाम बता दो। मेरा चिक्कू। चिक्कू, सीधा चिक्कू वह है या मतलब? चिक्कू नाम तो गणे जानेंगे, हूँ चरणदास। चरणदास जी महाराज, चरणदास जी महाराज से आप लाइव तस्वीर देखोगे। फिलहाल ये ग्रामीण बैठे है, आप ग्रामीण दिखा दो एक बार। फिलहाल महाराज जी के पास ग्रामीण बैठे है, आप देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम है। महाराज जी, इस मंदिर का इतिहास चर्चा में है, बहुत जगह हम जाओ, हाँ इसका थोड़ा एक बार मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आपते हैं, थोड़ा उठ के बात करांगे और घूम की यहाँ का आपका सथल सारी चीज देखांगे। इस मंदिर का इतिहास बताओ एक बार, आपका नाम पता के साथ साथ सारी चीजें शुरू हो। देखो भाई,
इसे उठोगे? हाँ जी उठ लो महाराज। इसका जो मगना नाथ थे ना, मगना नाथ कौन थे ये? मगना नाथ देखो भाव के साधु थे। उठ लो जी आप भी। उसने फौज में नौकरी करी जी, फिर गृहस्थी का त्याग किया। पहले गृहस्थी का त्याग किया फिर नौकरी करी? पहले फौज में नौकरी करी, गृहस्थी करी। अच्छा। और फिर नौकरी करने के बावजूद उसी त्याग कर दिया, गृहस्थी का त्याग कर दिया। गृहस्थी का त्याग कर दिया। वो भगवान का भगत हो गया जी, भगवान में ध्यान हो गया, सच्चा साधु था। मेरे उससे मुलाकात जैसे मतबल घूमते फिर दे रहे हैं साधु संत, बिल्कुल मानने की बात। जैसे हमारी मुलाकात होगी उसकी और मेरी आत्मा मिलेगी। अच्छा। आत्मा मिलने के बाद छह बिन्या में साल भर में मिलते रहे, जो कर नुमाले दो चार स्थान भी बनाए होती मतबल ओड़ मिलते रहे, फिर वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर स्पष्ट कलर था, यहाँ की करखड़ी थी। दिखाइए भाई एक बार आराम से, बनी दिखा दे। या बनी दी कितने के एकड़मों को बनी है? आ जाओ। या साहब 38-40 किलो का एकड़म। पंचायत की है, डेरे का नाम है किस तरह? या है पंचायत की साइड दिखा दे। मतबल जैसे गोचर भूमि बोलते हैं इसको। हाँ तो नूडो। अच्छा जी। मतबल नु मान ले फिर वहां से वो यहाँ पर आ गया। अच्छा। यहाँ पर चीकर क्या कर काटी उसकी, डेरा लाया। अच्छा। स्थान जैसे एक कमरा यो था पहले, फिर उसकी छोटे से दो कमरे बनाए, ये बीच में जो ये फिर आ गए। फिर उसकी या बरंडे की नीम भरी। अच्छा। फिर उन्होंने बोलिया एक भाई महाराज जी मेरे को मदद चाहिए। अच्छा। फिर ये बरंडा भैया अच्छा अच्छी लुआ गया, मैं छुआ अच्छी लुआ गया, तो मिलते जुलते फिर रहे। फिर मारी बात होगी, बोलिया भाई पहले तो गुजर जे तो मेरी समाधि तो बना दी, नहीं तेरी मैं बना दूंगा। अच्छा। ये पहले ही जिंदे जागते ही कह दिया भाई? मैं जिंदे जागते की बात ही। अच्छा अच्छा। मान ले चलो देखो के बेरा भी कौन सा वश्रम, फिर वो चोला छोड़िए। अच्छा। चोला छोड़ने के बावजूद कितनी साल के थे उस टाइम चोला छोड़ा? हुए होंगे मेरे जाने में 78 के तो होंगे, इतना 80 के आसपास के। हाँ बस इतने थे। अच्छा। फिर क्यों यार समाधि करवाई? फिर उसकी जैसे मेरे तो बताया भी करता भाई मैं 6 महीने साल भीर में महाराज जी चोला छोड़ दूंगा। मां ना तेरे तो पहले मां मन करा मैं छोड़ दू। अच्छा। ये वो ये फिर ये साल भर पाछे मैं आ गया जी नगरी कट्ठी करी मैंने जी, नगरी ने कट्ठी करी वहां भाई बाबा जी की समाधि बना था, नगरी प्रसन्न होगी। अच्छा। महाराज जी बना दो, फिर इसकी समाधि बना थी। क्या नाम है महाराज जी का? मगनानाथ। मगनानाथ जी महाराज, ये समाधि आपने बनवाई? हाँ। फिर क्यों है नगरी कट्ठी हो महाराज जी? नगरी कट्ठी हो ली महाराज, बना दे महाराज कोई वहा को नहीं खुश होगी तो यह समाधि बना दी जी। ये पीपल है जितने हुए उसके लगाए उड़ी है, उसने पाले ही जितने पीपल है। अच्छा। पीपल उसने लाए थे, यानी कि प्रकृति से भी प्यार था उसकी। हाँ रुखो तो बड़ा प्यार, बालक से भी ज्यादा प्यार था उसकी। राम राम तो घुमा दी। ये जैसे पीपल है ना, ये तो बहुत ज्यादा पीपल लगा रखे हैं। हाँ ये बहुत ज्यादा बड़ पीपल, सारा बड़ा बढ़िया प्रेम था वो एक बच्चे ने रखा करे ना, ऐसे मतलब रूख की सेवा करया करता। कुछ गांव के भगत सगता ने भी सहयोग करया, उसकी सहारा दिया ये पीपल लगाए जी। इसके साथ साथ बात करा फल फ्रूट के पौधे भी लगा रखे हैं, ये तो शुद्ध ऑक्सीजन देवे देवे। और भी बेर है, अमरूद बेर भी उसकी लगाई हुई है। अच्छा। या बड़ी बेर भी उसने लगाई हुई है? उसकी लगाई हुई है महाराज जी की जी। जो करण मान ले जैसे हुए उससे के लगाई हुई है। अच्छा। आपके नाम पे भी कोई सी चीज लगाई गई है? जैसे चिक्कू नाथ महाराज जी आपका नाम है, कोई चिक्कू का पौधा भी लगाई गई? चिक्कू का गैल नहीं। अच्छा। यानी कि आपका नाम भी जिंदा लग गया चिक्कू है फल देव है मुंह सुन माई है। चिक्कू का पौधा भी फल देव है और चिक्कू नाथ महाराज जी भी जो बोल दे है वो बोल दे। देखो ऐसी बात तो भगवान जाना, मेनू नहीं कह सकते मैं बोल दी व्यापार होगी, वो राम की माया है। नुका करे की बखत घड़ी मन कर आप का मुंह लकड़ जी भगवान उसने पूरी कर दे। बिल्कुल। करने वाला जो परमात्मा है
कहीं ना कहीं विश्वास होता है एक सुन। मैं तो अपना मन तन नहीं कहता कि मैं बोलू भाई पूरी हो जी 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 आप थोड़े बोलोगे फिर जैसे मैं सुन लू हूँ एक आधे पर अकबर वाले तना नो कही थी मेरी नैया पार होगी करने वाला भगवान से जैसे लगन हो जाती है फिर और भी भगवान में आशीर्वाद बड़ी चीज हो महाराज जी सुन माई हम भी बहुत सारे साधु संताएं पास है आशीर्वाद बड़ी चीज हो है और लोग दूर दूर तक अलग अलग ये सारे दुख आए आए थे मैं जाने में सारे ठीक हो गए होंगे मैं तो मरण हो रहा था जी जिस टाइम जब इतना तगड़ा बीमार था मैंने सारे डॉक्टर भी मेडिकल में भी सारे को घूम लिया था। अच्छा कोई आराम नहीं हुआ ये दिक्कत थी दिक्कत तो जी क्या बताऊं बताने की कोनी के ऑन कैमरा बताने की नहीं तो कोई दिक्कत को नहीं और जब बताने की तो बता दो ना जी वो मेडिकल में तो जो एक्सरे उसरे या रिपोर्ट करे थे उसमें तो नॉर्मल सा है वो कि मां बताओ कोई दिक्कत जो को ना थी वैसी दिक्कत थी जी। अच्छा कै सालों से आने लग रहे हैं मुन्नो लिए होंगे जी 4 या 5 साल 4-5 साल तो ये फिलहाल शरीर स्वस्थ है फिट है कति ओके है जी मैं मंदिर के उस कलश में पकड़ के चढ़ जाता। अच्छा मंदिर की जो कलश है उसमें खड़ा हो जाता जी ये भगत जी रहे जी इस पर काम भी करवा। अच्छा यानी कि दूर दूर से लोग आवे है जिसके दिक्कत है समस्या है दूर दूर तक दूर दूर और भगवान की दाद ठीक ठाक हो गया ठीक ठाक हो। अच्छा आप कहाँ से? मैं गांधरा से हूँ। गांधरा ये कहाँ पर? पूरी लोकेशन बताओ नाम बताओ तहसील डिस्ट्रिक्ट सारी चीज बताओ। ये रोहतक साइड है। रोहतक साइड में? रोहतक में ही है। आप वैसे घूमने के लिए आ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं जी पहले दिक्कत थी जी। ये दिक्कत थी मेरे जी माता की तकलीफ थी माता की जैसे शेरा वाली की जी शेरा वाली आग दी आपने? हाँ जी असलत में आया करती जी असलत में आया हाँ 52 रूप आया करती। इसको पर 2 मिनट फिर चर्चा करूंगा मैं विस्तार लूंगा। शेरा वाली आई आपने? हाँ जी मैं 2 साल थे जी ऐसा कर दिया था कति मेंटल। अच्छा गाला में नालिया का पानी पिया जी ऐसा कर दिया था मंदिरों में अंडे अगर बजरंग बली आया कुया सभी रूप बदलती थी बजरंग बली भी आता केक आ गया था बजरंग बली की जय बोलो लाल बेग हूँ मैं सैयद हूँ मैं काली माता हूँ मैं शेरा वाली माता हूँ मैं भगत सिंह उद्धम सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं ये क्या तो नहीं आए सही नहीं नहीं ये आए नहीं मेरी हालत इतनी थी खराब फिर इस भाई ने मेरे को यहाँ ले आया ये मंदिर में आया मेरे को आराम मिला गुरु जी को मना प्रणाम किया मेरे को आराम मिला ये मन 4-5 साल हो गए मैं आता हूँ मेरा काम धंधा लगता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। माता नहीं मैं याद ही नहीं करता मैं आइया ही ठीक हो गया हूँ मेरे मत इतना असर आया करता है यहाँ आती है वहां कूद जा करता मैं इतनी तेज होगा आया करती मेरे मैं झूठ नहीं बोलता ये गांधरा के भगत लोग दर्शन करने खातर दूर दूर तक जावे दूर दूर था लेकिन मेरी हालत ऐसी कर दी थी ना कि गुग्गा जी वहां रात जगती थी मारे वहां के वहां मारी मानता तो है नहीं मैं ऐसे ही चला गया कि मैं होगा 10-11 साल का कि मैं घर आके लौटा कि मैं दब गया ये झूठी बात नहीं है सच्ची ये बतानी है सच्चाई है ये ठीक है मैं दब गया मेरी मां नोली क्या हुआ मेरा बाबू नोलिया कुछ ना है इन तू ये कर रहा है मैं फिर लौट गया मैं फिर दाब दिया जब पीछे मगड़ का मजा आई पीछे मैं ठीक हो गया था लेकिन इक्के ने मेरी हालत ऐसी कर दी कि मेरे में नहीं पता कि मन को गलत काम करा क्या करा कि मेरे ऊपर कड़ा संकट पड़ गया था कट गया संकट यहाँ आई पीछे कैसा लम कटिया ये जी मन नू मान लियो मैं 2 साल से मेरा मेंटल हिसा कर दिया था मैं मेडिकल में भी रहा हूँ फिर ये आया मेरे को आराम मिला है बाबा जी के पास बाबा जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं काम धंधा करूँ बढ़िया चढ़ाई का मिस्त्री हूँ ये कोई चीज का वो नहीं मैं याद भी नहीं करता मैं याद नू नहीं करता कि मेरे में खुद इतनी तेज आती है कि मैं अपने शरीर में रोक नहीं पाता। अच्छा चलो धन्यवाद। और ये तो जी मैं यहाँ भगत जी के पास आया था कोपरिया वासी का चक्कर था मेरे में जी एक बाल्टी के करीब खून निकल रहा जी। अच्छा जब ये समाधि इसकी लिपाई कर लाग रहे थे जी उस टाइम आज भी बहुत कर रहे थे भगत जी ने प्रसाद दिया था वो प्रसाद देने थे जी एकदम रोक लगा। अच्छा एकदम रोक लग गई। चलो धन्यवाद। कुछ माता बहने भी आई हुई है उनसे भी पूछें कहाँ से। हाँ जी नमस्कार गांधरा से आई हूँ।
आपका क्या दिक्कत? महाराज जी घर में संकट था जी, महाराज जी जुड़े हुए हम जी, महाराज जी नावन किए जी मारे घर में, खूब जी प्रसाद लिया महाराज जी की शरण में रहे, फिर हमारा संकट कट गया जी। सच्ची बात? हाँ जी बिल्कुल सच्ची जी। सुख शांति? हाँ सुख शांति। जूत तो नहीं बात करना? नहीं बात था जी। पॉजिटिव एनर्जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। खुश आस दे मिले? हाँ जी धन्यवाद। बताता भाई एक चिक्कूदास महाराज है तालू से, उससे मिल लो शुरू में मिल ले, बहुत आत्मा ने शांति मिली। एक सबसे बड़ी बात यह देखी कि भाई महाराज जी दो रजा में ना कोई गंडा ना कोई डोरी ना कोई तवीज ना कोई सैनक ना कोई डोबरी ना कोई सडावा, शरपर शरप प्रसाद है, मिश्री का भगवत का प्रसाद है, आत्मा तो लो बेड़ा पार। आड़ इसे इसे देखे मन 7 साल हो गए कैंसर के, भाई एक तो एक लाभ बीमारी इसे आए हैं, अगर 5-5 6 नाली डल्ले उड़ाए हैं, अरे न्यू कहीं डॉक्टर ने भाई ले जाके ने अपने घर ने सेवा कर लियो, ये 2 दिन का है। वे आदमी आज मंदिर मानेगा नहीं सेवा करे भंडारे लावे। बहुत जगह हमने देखने मिले है अपने आप ने साधु कहो है संत कहे है पता नहीं के को है भगवान ते कह दे है अपने आप ने भगवान ते मान ले है, इसी से साधु आता है हमने मुलाकात करी है देखे है बहुत सारी दुनिया ने भी देखे है, पता नहीं कितने कितने पैसे ले ले है, कोई यहाँ शराब की बोतल चढ़वा लकड़ियां मैं तो भाई कढ़ाई लुवा लकड़ियां के मारे के सिस्टम है पूरे भाई ना, तो कोई शराब की बोतल चढ़ती ना बारा जी शराब पीता ना सुल्पा ना गांजा ना भांग ना धतूरा क्या है ना साग आए एक टाइम खाना खावे जी सा भी मिल रहे ना घी की जरूरत ना चूरमे की जरूरत ना दूध की जरूरत, सूखी रोटी कचरी चटनी मिल जाओ कि मैं मिल जाओ अड़ जंगल में बैठे है मांगने भी जाओगे महाराज? नहीं 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 मांगने कुछ नहीं जाते आप अपने आप सारी चीज जाके भाई आप 24 घंटे हो लिए तो काए हो तो देखे है आपने उ रखी से कोई मांगना नहीं काम में जितनी नगरी का भाव प्रेम इतना हो रहा है अगर अपनी जन्म स्थली में तो जान भी ना देते उड़े 2-2.5 करोड़ रुपये गांव मंदिर बना रखे है देखनी चीज है तो ये चीजें तस्वीर ब्याह करने लग रही है लोगों की जो भावनाएं है उस उनके साथ जो हो रहा था उन संतुष्टि मिली यहाँ के आराम मिला बहुत सारी दिक्कतें थी लोग दूर दूर तक अलग अलग जगह से आए हुए हैं और सबसे मजे की बात यह है जो लुटले है पिटले है और अपना घर बर्बाद कर दे है बहुत सारे ऐसी जगह देखी है हमने वो चीज यहाँ देखने नहीं मिली है। 1 रुपये का प्रसाद ले आओगे वो भी आपका 1,00,000,000 के बराबर है, अड़े यार साधु संत अड़े भभूति देव है प्रसाद देव है मिश्री जी का प्रसाद बताओ मिश्री का और भभूत का प्रसाद मिश्री और भभूत का प्रसाद बताने लग रहा है दिखाइए एक बार के दिया है इस तय सच्चा दिलता होगा तो सारा संकट मुक्त है। काली मिर्च है और ये एक बार निकाल दो बबूत थी वो बबूत तो लग उसमें जोड़े में ये चीज आपने तस्वीर में दिखने लग रही होगी दाना वाली मिश्री है मोटी सट्टा मिश्री भी है इसके अंदर काली मिर्च है बबूत थी है ये चीज है इसके पीछे लिए बाबन ना जी कोई पीछा ले आपने सर 10 मान 5-7-10 जितने दिए वो दे दिए बाकी कोई दिक्कत नहीं पूरे भाई ना खाने की कोई पीछा लगता ना सोने का ना जाड़ेगा ना जपटी ना क्या कुछ को नहीं मजे की बात यह है मतलब दर्शक छाती ठोक की नू सका नू कैस कहा बट किसी का कोई दिक्कत हो नहीं एक बार आएगी जरूर देख ली देखो देखना कोई पीछा थोड़ी लाड़े कोई पीछे लेना नहीं बाबा कोई और लगता नहीं भाई नगरी के सेवक इसे है आने के बाहर का आदमी आवे उन ताई लोटने की जगह बैठने की जगह खाने की साय की पानी की सब कहेगी नगरी के आड़े गांव के आदमी है जो बाहर के आदमी की बड़ी सेवा कर रहे हैं क्या की बीमारी कौन सी ठीक कोई भी बीमारी हो भाई कैंसर से भाई बहुत बुरे का है ऊपरी पराई का है भाई पूरे बहुत बुरे बुरे इसे आदमी बाण इसे पेंडा छटवा के ना ले जाके न्यू का ये बाबा ना लेता भाई 5 पीछे भी ठीक हो हाँ फ्री में दवाई प्रसाद दे है आप जिस भाई का आराम हो 5-6 भाई 1,00,000 ला दो 1,00,000 ला दो मैं ला दो भाई सेवा में लग गए संकट दूर हो जाए बीमारी ठीक हो जाए हाँ। उसके बाद उसकी आत्मा खुश होनी महाराज जी ये ना कहता कि भाई तू ठीक हो गया यो करना पड़ेगा ना कोई शर्त नहीं वो अपनी मर्जी अपनी मर्जी से अपने भाव था गुरु जी मंदिर में या चीज की कमी है ये चीज करवा दिया करवा दे भाई पहले विश्वास पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो एक आपने एड देखी होगी बहुत सारे साल टीवी पर चला कर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वो ठीक यहाँ पर लागू है पहले अजमा की देखो 1 रुपया प्रसाद देख यूरिया पैर पीजीआई रोहतक में काटने का निशान दे दिया था वो इतना पैर कटेगा अच्छा
मैं छक्का हंड लिया गरीब आदमी एक बता 14 महीने था पीजीआई में रहकर डॉक्टर ने कह दिया पैर कटेगा। तो एक गांव का महाराज जी था पंडित जी महाराज था वो मन ले गया बोला भाई निन्नी बात से एक बाबा चाल तेरते तो बाबा ने घी का जोत का घी दिया था भाई जोत के घी की मालिश कर ले रही मिश्री का प्रसाद और काली मिर्च से खा ले बाबा की दात हो जाएगा ठीक। भाई आज मैं इस मंदिर में खूब सेवा पानी करता हूँ भगवान की दात में टका टक कर रखे और भाई बार क्या हूँ अजमान की बात शहर देखो आड़े कोई चढ़ावा लग गया पीछे लग गया ठीक बात है भाई कोई पैसा नहीं लगता अड़े कुछ नहीं लगता बबूती और प्रसाद दिया जाए अड़े। मैं एक बार मंदिर की चारों ओर की तस्वीर दिखा दूं फिर बाबा जी तक फिर बात करांगे। इस तरह की चीजें समाज के अंदर बहुत जगह पर देखने में मिले है बहुत जगह पर देखने में मिला है लूटपाट खसोट हो जाए घर के घर बर्बाद हो जाए वो चीज यहाँ के जो लोग आ रहे हैं अलग अलग तरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग लोकेशन से लोग आ रहे हैं उनका साफ मानना है कि इस तरह का कोई भी पैसा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। जब बड़ी बीमारी हो वो भी ठीक हो जाए उसके ठीक होने के बावजूद उसका जब दिल खुश हो उसकी आत्मा खुश हो तो वो यहाँ पर चाहे एक रुपये का सेव करो चाहे 100 रुपया करो चाहे 1 रुपया करो वो अलग बात बाबा तो नहीं कहता साधु नहीं कह रहे उसको बिल्कुल भी वो अपने दिल से करेगा क्योंकि लाखों करोड़ों रुपये लाने के बाद लूटने खुसटने के बाद आखिरी में साधु संतान दूर जाना पड़े और वो भी परख नहीं कर पाते सच में साधु यो सही है यो काम कर है यो ना करता बहुत जगह लूटन खुशन की। हाँ जी अंकल जी राम राम मन्नल बाल कह दो लखो नाम बताओ पहले नाम गोपी चंद कहाँ से हो खेड़ गोपी चंद गोपी चंद पिंगला भरते हाँ जी नाम तो बहुत बड़ा ले रहे हो खेड़ा से हो अच्छा मन बाल कह दे लखो कह दे अच्छा हाँ अंग्रेजी महापुर का पढ़िया तो बाढ़ कह दी है और उसने लकवा कर अच्छा अच्छा मैंने लकवा मारी वो अच्छा तो मैं तड़के उठ के उरागो महाराज मैंने महाराज महाराज प्रसाद दे दी मैंने पेपर तड़ा बैठ गो रेडी हो गो डेढ़ भी न हो अच्छा हाँ कोई दवाई पानी नहीं ली मैंने कितने अंग्रेजी गोली दवाई डॉक्टर के पास नहीं गई यो जो मड़ी मड़ी तो हाँ आपका मुंह ओठ बताने दारे मोटे मोटे थोड़े मतलब हाँ, डाल गए थे ये बिल्कुल सही होगा सही होगा जी बाबा जी ने बबूती दे दी दवाई बबूती दे दी मन पीपल तला बैठ कर मैं रेडी होगा अच्छा मतलब इतनी पावर है एनर्जी मतलब पॉजिटिव एनर्जी यहाँ हाँ जी अच्छा धन्यवाद चलो तू भाई साथी खेड़े थे वही रोए खेड़े थे हाँ के मतलब सेवादार हो ऐसे यार सेवादार खूब भाई टब्बर पण काय ने मान लिया जोड़ी तीसी थी अड़ा का पैदल कोन लगड़ा जाया करता अच्छा हां तो बाबा जी आए मगन्ना जी महाराज कौन न भाई यो देख लो तरक गए सो चंदन इतना पिपल इतनी रात ने भी कई बार न्यू फोन कर दिया करता भाई के करो बाबा जी गणना हर रोटी का आ जाओ लो 5 पिपल सफाई कर दिया मैं बाबा जी तड़के ही कर दिया ना तड़के ही कान देखो रात को करेड़ो तड़के ही पातो जागो मैं चलो तो कई बात भाई टब्बर था तो मंदिर को चाहिए तो स्कूल की टड़ा कर दिया करता अच्छा गाला ने कह दिया करता स्कूल में गया रह जाता बाबा जी ने काम करवाया करता तो वही काम भी जिद कर साधु अगत सही होगा बिल्कुल बिल्कुल हाँ यह मेन बात यह सही है जब जहाज का या बस का पायलट सही होगा तो सुरक्षित सवारी जदे रह सके यह बात मानने बिल्कुल तो भाई इतना सज्जा सत्तु था कि जिस दिन समझ दी पहले दिन आत्मा की बात बताऊं भाई मेरे तय न्यू बता दी थी मैं कल समझ दी लूंगा भाई अच्छा हाँ नहीं चार भाई और भी चार मगननाथ महाराज जी ने बिल्कुल बता दी थी मैं समाधि लूंगा कल भाई मामा बाबा जी मैं तारा धोरा हूँ समाधि कतरा लियोगा मैं जाए को नहीं तो करीब ना भाई बैठे रहा है मम्मी 12-1 बजे ती फिर लो भाई तू चलिया जाई मामू ना बाबा जी जाए को नहीं मैं समाधि देखो कतरा लियोगा तमें भाई साधो की गणी हरियाणी तो कई बार ने बोलिया के तू जा मामा बाबा जी मैं जा को नहीं जिन्हें लो एक बार बेटा साधु जो कह दिया कृपा मान लिया तू चले जा मैं आड़े चले गए तड़के 4 बजे लुआरू कराना फोन आया बाबा जी ने समाधि ले ली आगे उड़े उड़े भाई तो पहले दिन कती सच्चाई नहीं बता दी भाई मैं धोखा लग गया होगा आपका सुता भाई जो है समाधि है भाई याद की समाधि को नहीं आप समाधि लेने आगे जाके 3 साल पहले बना दी थी 3 साल पहले अच्छा मिच्चे की मतलब इतनी दीवार थी जो ये पीस कब रही 3 साल पहले नहीं बना दी थी मैं यही समाधि लूंगा भाई 3 साल थोड़ी को नहीं हो भाई समाधि लेने पहले 3 साल तो बहुत ज्यादा टाइम 3 साल का पहले नहीं बता दी थी समाधि लूंगा भाई मैं रही। अच्छा आपके हाथे आपकी नीम महाराज जी पहले ही रख गए थे बिल्कुल बता दी थी अगड़ा समाधि लूंगा भाई मैं चलो महाराज जी बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल के आने लग रही चलता रहो भाई कैमरा मैन थोड़ा आगे चल की बात करेंगे यूके है यू भी दिखावांगे महाराज जी अरे जो आपके जो बोलिया करे सेवादार ला लो आपके चेले ला लो आपके भगत ला लो
कुछ भी ला लो, बड़ी बड़ी चीजें निकल के आने लग रही है। कैंसर की बीमारी, लकवती की बीमारी, पता नहीं क्या क्या के संकट है सारे। मगनानाथ जी महाराज आप भी मतलब एक आशीर्वाद दो हो, पॉजिटिव एनर्जी है वैक्यम ही, ये सही चीज होने लग रही है। महाराज ये जो चीज बनाए रखी है क्या चीज महाराज? ये है गोरखनाथ का दूना। गोरखनाथ जी महाराज का दूना, ये एक बार तो पहले ये बोर्ड दिखा दे, कैमरा मैन ने कहूंगा ये बोर्ड दिखा दे। ये बोर्ड लग रहा है इसके ऊपर 2012 का बनोड़ा है महाराज। हाँ। गोरखनाथ जी का। हाँ, कैमरा मैन ने कहूंगा भाई अंदर तो धुना दिखा दे करके, बाहर से दिखाओ, बाहर से अंदर जाके दिखाओ, अंदर जाके दिखा दे गोरखनाथ जी महाराज का। इसके ऊपर दो पूजा मतलब किस दिन हुआ? देखो इसके ऊपर झाड़ा लगे है, यो अखंड धुना है गोरखनाथ जी का जी, मतलब दिन रात अखंड चलता है 24 घंटे। अखंड जो चलती है ना, मतलब दूना दूना जो चले उसी से। हाँ, अच्छा, जो मतलब अखंड दूना है आड़ मतलब झाड़ा लाया जा है, कोई भी संकट हो किसी तरह कोई संकट हो कोई दिक्कत हो तो यहाँ बैठ के मतलब झाड़ा लगा। हाँ ठीक है। और उस साइड बात करें महाराज जी, ये दो छोटे छोटे मंदिर से बनाए रखी है, ये मंदिर से किस चीज के बनाए रखे महाराज जी? ये गोरखनाथ का है, मंदिर आपने बहुत सारे मंदिर छोटे छोटे मंदिर से बनाए रखे है, मतलब मगरनाथ बना गया था। अच्छा, यह बना गया था वो मगरनाथ। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी कि स्टार्टिंग शुरुआत आड़े तो ही जमा छोटी चीज तो ही मतलब आड़े तो पहला स्टेप ही होता। हाँ, धुआं बना गया था, ये बना गया था, अरे जो कमरे से नल ने वो बना गया। चलो इस साइड में मतलब ये हवन कुंड बना रखा शायद आपने? हाँ, हवन कुंड तो ये बना था, मैंने बना था। अच्छा, आपने ही बनाया था महाराज। हाँ। ये हवन कुंड बना रखे उस साइड में, ये झंडा लग रहा उस साइड में, जो बालाजी का है मंदिर भाई वो 2 सेकंड दिखी और फिर आगे कर दिया जो मैं बोलू। ये मंदिर किस चीज का बता महाराज जी? ये हनुमान जी का है। हनुमान जी का मंदिर, ठीक है। और आगे आ जाओ महाराज जी थोड़े, ये जो मंदिर बना रखा है सफेद, यो किस चीज का बना रखा है? यो शेराली माँ का है, शेरा वाली माता का मंदिर बना रहा है। यो आपने बनवा था मगनानाथ जी महाराज? ये तो एक गांव क्या ने बनवा था। अच्छा, गांव क्या ने अभी बनवा था? अभी बनवा था ये 1-2 साल पहले। हाँ ठीक है। तो और महाराज जी के रखो हाड़ है डेरे के अंदर? आपने 35-40 किले बताए, गाय गौ माता रख दे हो या और कुछ? भगवान की दात सोई दही बनी है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने ध्यान कर रखा है मतलब फल फ्रूट के पेड़ है, पीपल है, प्रकृति का जो मतलब पॉजिटिव एनर्जी देखी हमने यहाँ की कहीं भी। या तो नगरी की सलाह है, नगरी क्या करे जी, मन करे गौशाला भी बन जाए, गौशाला भी बन जाए। हाँ, प्लानिंग चल रही होगी। हाँ, प्लानिंग चल रही है, ट्यूबवेल से ट्यूबवेल लाग जाएगा। पानी पुणी किसा के जमीन वाले? पानी मीठा है, मीठा है। हाँ, तो मतलब बीजंत जमीन के ऊपर मतलब गौवा का काम चल जाएगा, उनका रहन बसेरा का काम हो जाएगा। हाँ, मतलब गौशाला चल सके, चल सके। आप वर्गे संत साधु संता का हिसाब से तो बिल्कुल चलनी चाहिए। और गौशाला के पास में आप रहोगे, आशीर्वाद आप लोगों का रहोगा और लोगों का सहयोग रहोगा तो बिल्कुल 101% चलो। जो दर्शक देखने लग रहे, लाखों लोग देखने लग गए हरियाणा या हरियाणा के बाहर से, तो उनने लास्ट में के मैसेज दोगे महाराज जी? जमा 2 पॉइंट बता दो, जितने भी दर्शक देखे है यहाँ आके किसी का कोई दिक्कत हो, झाड़ा लगवाओ है तो उसकी आत्मा ने शांति मिलेगी, वो खुश होगा, ठीक होगा ना होगा, एक बार 2 पॉइंट बता। क्योंकि बहुत सारे लोगों का व्यू लिया है, उनका मानना है कि 100% ठीक हुआ। देखो मैं तो नू नहीं कह सकता, करने वाला परमात्मा है, मैं तो इसका माथा टेक के और इसकी आत्मा का नाम लेके, ये भगवान इतनी दूर थे जब तेरा दर्पा है तो इसकी नैया पार ला दी मेरी, तो बस यही अरदास रहो मालिक ने। हाँ, बस एक माध्यम खाली। हाँ, बस एक स्पेशल भगवान तो इसकी नैया पार कर दे। ऐसे बहुत सारे साधु संत कमिटमेंट कर ले, मैं करने वाला हूँ ऐसे, आप नहीं ना ना ऊपर करने वाला, ऊपर करने वाला। अच्छा, पढ़े लिखे कितने को महाराज जी? मैं तीसरी पास। तीसरी पास, इतनी बड़ी क्लास कर रखी महाराज जी तीसरी पास। मतलब तीसरी तो नाम में मात्र आ गई उस टाइम, मतलब आप 10 पीस के लग गया थे, 10 पीस 5वीं थी और 10 पीस से मैंने मंगलवार ने मीठी गोली बांट दी, कदे फीस को दी। अच्छा, बस तीसरी ये थी जान का था भी मीठी गोली बांट जाता। साधु बनने का राज के है वो और बताओ क्यों बने साधु, कारण के कहां से आपके मतलब जो भीतर में एक ज्योत जगह करने, कोई भी काम करने के प्रति जुनून हो करे, बस साधु बनना है, क्यों बनना है साधु, कैसे बने साधु? देखो मेरा कोई जुनून नहीं था, कोई चाह नहीं था, मैं एक छोटा था,
जैसे पहली तला छोदी में मड़ा हा बड़ा होके नाम लिखवाया था मेरा थी वसुवन मान की जो चलाने की बसिया जैसे फिर मेरा होगी अड़क बुद्धि एक भैया हनुमान के हो है फिर भगवान ने कोई ऐसे काम करे हनुमान जी ने चमत्कारी उन तेनो जोड़ ला गया माँ भगवान तो से फिर जैसे मैं दस पीछे उनकी भी मीठी गोली बांट देता बचपन ते जैसे मेरी माँ रोटी पर ये दर दी वो भी हनुमान की जोत में डाल देता ऊ मगन होया रहा दिल मान जाता भाई हनुमान खावा है मैं खुश हो जाता बस या खुशी ही बढ़ती बढ़ती फिर भगवान के रंग में इसी ऐसे काम दिखाए कि कुछ मन जो बनया उनकी है जैसे मान ले जैसे एक बजे तो होने जो को नहीं वो इस भगवान ने कर दिया मेरी आत्मा भर दी रही मैं चल दा रहा मैंने डंगर चराए हैं फिर तीसरी मत उठ के घर परिवार वाले कही जन्दे नु है तू तो काम को नहीं करता फलाना माँ वह जितना खावा ही इतना करा फल तो उसकी बात को नहीं फिर मैं 18 साल की उम्र में त्याग कर दिया कौन गुरु मनाया कहाँ जाके आपने कानवी कुन पढ़ा रखे कौन से पंथ से आओ दास आओ गिरिया कौन से दास 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 कान कान्ना मुंद्रे पढ़ा ग्रह जहाँ कान ना वो नाथ हो हाँ अच्छा तो कौन गुरु रहे आपके मारे राम ये सौर शरण जी हैं मुरैना से हाँ वहाँ से गुरु ज्ञान मिला मतलब गुरु हैं हाँ। मतलब उन्होंने टीच करे उन्होंने सिखाया है आपको उन्होंने बताया जैसे उन्हें मारे गुरु जी हैं जैसे भगवान की भक्ति में लीन थे और गुरु जी मान लिये वाकंठी उसे दे दिए या अच्छा मगनानाथ जी महाराज कितने साल आड़ा सेवा कर गए मगनानाथ तो मेरे जाने मैं आड़ा कर गया हूँ 15-20 साल तो कर 20 साल के आसपास इतनी हाँ इतनी आप मंगनानाथ के साल मंगनानाथ महाराज जी के साथ 20 साल के आसपास रहे हो मैं नहीं रहा कितने साल रहे हो मैं तो देखो आज आ गया सुबह 2 घंटे डट गया तो चलिया गया 6 महीने में फिर आ गया चलिया गया मारी तो वहां साधु संता की एक मुलाकात हुआ करती जैसे उसकी मेरी फिर आत्मा मिल गई फिर बात सी होने लगी तो जो कर मान ले जैसे भाव प्रेम था वो चोला छोड़ गया वो हसी हसी करया कर दे मखोल करया कर दे फिर वो सारी माँ जो बाबा जी की समाधि इस नगरी में बनाने खतर में आ गया नगरी ने भी सहयोग दिया वही बना ले महाराज जी को याद को नहीं मधुबल नो मान ले फिर मेरा मन मन आ गई मान ले बोले की एक मंजिल सी बना दे आड़े शिवलिंग को नहीं चल चले जो सामने जो यो गाड़ी का गई हाँ यो जो यो शंकर भगवान का मंदिर है अच्छा गांव वाले ने शिवलिंग इसके अंदर मतलब जल चढ़ाने मंदिर आ गया यो यो मतलब शिवलिंग है जो यो मैं उठा लिया कोई सलाह नहीं थी कोई विचार नहीं था अच्छा जी मैं एक मंदिर एक मंजिल सी बना देंगे दिखा दे मंदिर कितना ऊंचा बना रखे शिव शंकर शिव जी महाराज जी भी अंदर स्थापित कर रखे और शिवलिंग भी उसके आगे ही बिल्कुल मतलब स्थापित है तो ये मतलब जो जल चढ़ाना है कावड़ चढ़ानी है तो इस मंदिर के ऊपर वो सारी चीजें जारी है हाँ जारी ये आपने अभी बनवाया साल दो साल दिखा अंदर तो ये मेरे जाने में साल बनवाया ये तो नहीं होगा अच्छा काम जारी है अभी से मतलब इसका गेट दो साल हो गए हाँ पूरा काम हुआ कुनी अभी से इसका मतलब पेंट का कुवाड़ कूड इसका गेट काट लगा भीतर मायो रह रहा है रह रहा है जैसे कुवाड़ रह रही है भीतर को पेंट रह रहा है ये बन जाएगा यानी कि धीरे धीरे आप ग्रोथ करने लग रहे हो ग्रामीणा का सहयोग ते आस पास का सहयोग ते धीरे धीरे आप ग्रोथ सारे भक्त जना के सहयोग ते परमात्मा ये मन ने कौन मेरा के हो रहा की नहीं भगवान ने जड़े मालिक करण लग रहा जो करण लग इस कह मत तो जड़े भी इंच टेक दी नहीं इतनी शक्ति भक्ति सब क्या है मैं यही दियो जो अदम तो मेरे जाने में मस्त्रियां की छुट्टियों करा फिर टंडे कर गए थे भगवान ने तो करण को दियो पूरा है माया महाराज जी एक बात और कहूंगा मैं चढ़ गया और उतर गया मंदिर एक बात और पूछूंगा महाराज जी आपसे बहुत सारे
एक थोड़ी दूसरी भाषा में मैं बोलूंगा, लठ खांदे हंड है बाबे, रेलां वाली बाबे हंड है, मंगदे हंड है, चोरी डकैती कर दे हंड है, नशे कर दे हंड है, उसे उसे साधुआ ने के कहना चाहोगे आप समझ के, उन साधुआ ने के कहना चाहोगे जो चोरी डकैती नशा करे है, लठ खांदे हंड है, पता नहीं के करे साधु बाण में, क्योंकि एक कलंक लायक जे है समाज में, जनता उसने परख नहीं सकती एक भाई सही साधु है सही जगह पे है, उन साधुआ ने के कहना चाहोगे। मत देखो बच्चा का लरोला गया रूस के साधु बन गया, भगवान के भजन में उसका मैं तो ये ध्यान में उसका ध्यान कौन लागे, नुरे जगीरा बड़का ने काट दिया मेरे बेटा ने धोखा दिया, या लोग ऐसे रोला गया वो मतलब भजन करा करा बेचारा अपना दुख नहीं रोगा, साधु को फिर स्वादु बन गया, वो तो स्वादु लाले चाहे किमे भी लाले किमे फंस जाओ तो करे भी का उतनी मतलब लगन कौन ही हुई ना, जैसे मतलब भगवान के प्रति जिसकी लगन हो जाए ना मतबल न मान ले ओना सपत तो दूर रहेगा, चोरी डकैती तो मालिक में ध्यान रखा सीधी बात है, अंदर की उड़े आजी चोरी चारी तो लोही कौन जाओ। अच्छा महाराज बात कर, तपस्या तो तपस्या भी करी है आपने किसी तरह की तपस्या, बहुत तरह की तपस्या, मन आत्मा की तपस्या करी है, आत्मा की तपस्या हाँ, वो किस तरह हो थोड़ा बताओगे, बस आज बचपन से बताओगे, जैसे हमारी जो आत्मा है ना इसके अंदर वास कर लिया भगवान का, और भगवान के कुछ कर्म देखे कुछ ऐसे ऐसे भगवान ने चमत्कार आए है ना, फिर आत्मा में वास कर लिया, यानी कि आत्मा का गले परमात्मा का कनेक्शन कर लिया, सीधी बात या कैसे, देखो मनु तो कोनी को बोला मेरे दोर रोज बैठे है, फिर मेरी आत्मा मनु है भगवान है, और मनु नहीं कर सकता भगवान को नौका करे कि जैसे मछली जल बिना नहीं रह सकती, पानी बिना मछली रह नहीं सकती, बिल्कुल मैं यह बात कह सकता हूँ भाई, मछली पानी बिना रह जाएगी फिर मनु नहीं कह सकता भगवान को नहीं, भगवान पक्का है, देखने वाला होना चाहिए, देखनी चाहिए, बहुत सारे लोग मतलब ऊंच उठा बाउंडर कर ले है, धोख मार ली ध्यान के मन नू होता वो फलाना का नू करना है मंदिर में बाबा का धोख मार ली, मतलब वो नहीं ना अंदर पाना पड़ा, अंदर ये बात है, भले अंदर ही खिली फूल तो फलवारी से मतबल क्या, और मनु या एक निश्चित तो दुनियादारी से मतबल क्या, और खुद तलक तेरे नाम नहीं तो पटवारी से मतबल क्या, जैसे आदमी मेरा मन निश्चित हो जाए भगवान का भजन करने, दुनिया तो गाल भी देगी पाखंडी भी कहेगी कुछ भी कहो, हमने उसकी गल्ला का सुवा कुछ नहीं, हमें तो इससे मतबल है, और जब गल्ला का सुवा किसी का दर्द है तो भगवान का भजन कितने भी जा करो, सारी धरती परमात्मा की है और परमात्मा का भजन तो मतलब कितने भी कर सके है, बिल्कुल ये जैसे पटवारी है ये खूट तल का मेरा नाम नहीं पटवारी तो मन के मतबल है, वो चाहे माल रखो चाहे तो माल रखो, और चूड़ी फोड़ दी छाती पे, जब भगवान ने किसी का सुहाग छीन लिया तो मन यारी चाहे हरी ले रही हो चूड़ी चाहे पीड़ी ले रही हो, बिल्कुल कोई मतबल को नहीं, मारा तो ही दिमाग है भाई कोई मतबल को नहीं, दुनिया कुछ भी कहो मारे तो प्राण छूटेंगे, इतने परमात्मा का भीतर तो वास लकड़ा, बिल्कुल महाराज जी आप वैसे तीसरी पास करने लग रहे हो, आप पढ़े बलाए ना हो आप कर रहे हो, आपने ब्रह्म ज्ञान है मैं मन हूं जैसे लगने लग रहे हमने, एक और आगे बढ़ते हुए वीडियो में मतलब एक सवाल और करांगे, यो आपने ही हिंदुस्तान में या एशिया की बात कर लो कुछ देश में या अंधभक्ति यो पाखंड ये भूत प्रेत या ऊपरी पराई यो झाड़ा पुच्छा कुछ सीमित जगह पे है, दूसरे देश की बात करा तो ना तो उनमें भूत है ना उनमें जिंद बड़दा ना उनमें मंदिर ना मस्जिद है ना उनमें पूजा होंगी, यो के फर्क है आप उनको धरती पर कहीं भी जाएगी पूजा कर सकते, देखो एक बात यो नो फर्क से कि चीज सारी चीज है, जो डॉक्टर होया नड़िया वैद होया कोई भी अवस्था ठीक को नहीं हुआ, हनुमान जी के मंदिर में जाते प्रसाद बंट दे और सच्चे भाव से डगर जी तो उसका कष्ट दूर हो जाए, हमनू मानना भैया चीज इसकी थी भाव तो जो परमात्मा ने मानने है ना, कह रहे भोजन लगे भूख मच्छा और पानी लगे तो समय और कह दिया करे भगवान भी हो जाए भगत के बस में, या उसके जैसे कोई हवा है जैसे हमारा धर्म है सनातन धर्म
हिंदू धर्म बोला जा है। जैसे मुस्लिम है वे एक अल्लाह को पुकारे है, जो भी कुछ है अल्लाह है। और मतलब ये से और अंग्रेज से वो अपना न्यारा धर्म से, जैसे अपना धर्म के प्रति ये कुछ लोग की तो देखो भाव हो जाए हैं। कुछ लोग अपने धर्म से ही चोरी करे हैं, मन कर मंदिरों का माला टंगी और यह तार ले जाए, उस तो धर्म से कोई मतलब नहीं। सारे धर्मों में सारे मेल के निशान होते हैं, भगत भी सारे मेल के हुए, कोई बुकावा है कोई टूने बतावा है। देखो हमने तो एक बात सीखी है, ना तो कोई टूना इसका गए ना कोई ऊपरी, जब ये दयालु हो जाए ना सब कहेंगे ठाठ कर दे। टूने तो कुछ भी को नहीं हुआ, ताक गंडे तो भी कुछ को नहीं हुआ, एक आस्था है अपनी, हमारी जो आस्था है ना उस आस्था के अनुसार परमात्मा सुने हमारी। देखो किस आस्था था यहाँ में ईमन कर आए तो चप्पल बदलन इमाम ठीक कैसे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, चप्पल बदली चले बिल्कुल, जिस भावना से आवे है उसी भावना के हिसाब से वो सिद्धत है, आड़े दो लगा के जाओगा प्रसाद लेके जाओगा, जिस मकसद आया है वो मकसद पूरा होगा। हाँ, जो भी आदमी इस आत्मा तरसे है, भूख से, किसी ने बच्चा होने की है, किसी ने रोग की है, किसी ने दुख की, जो भी शरण देगा ने इसकी सच्ची आत्मा थे तो भगवान उसकी नहीं अपार जरूर। जी जी, चलो लंबी वीडियो होने लग रही है, प्रणाम महाराज जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका, यहाँ के हमने मजा आ गया, पॉजिटिव एनर्जी है और आप लोग मुलाकात करी, ग्रामीण बात करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल आप अहमदवास खेड़ा जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट और लुवारू तहसील से ये जो मंदिर की तस्वीरें देखने लग रहे थे, चिक्कूनाथ जी महाराज और मगनानाथ जी महाराज जो पहले 18-20 साल के हो गए, शायद वो लागे भी हो गए फौज में 20-25-30 साल, जितनी भी उन्हें देश की सेवा दी, उसके बाद गृहस्थी त्यागी, फिर साधु संगत में आए, साधु बने, उसके बाद 80 के आसपास जैसी उम्र वो है वो पहले ही बता दे जैसे महाराज जी ने बताई है, दूर दूर तक रुका रोड़ा था इस साधु का, इस कारण हम पहुंचे यहाँ दिखाने का काम करे है। 2-3 साल पहले ही अपनी समाधि बनवा दी थी और पहले ही ऐलान कर दिया था भाई मैं उस दिन चोला छोड़ दूंगा, और 3 साल पहले ही समाधि बनवा दी थी। बड़ी चीज, बड़ा अवतार वो, ना तो वो फौजी था, ना वो बाबा था और ना वो आम आदमी था, वो बड़ा अवतार था। दूर दूर तक के लोग आवे है, आपने सारी वीडियो में देखी होगी, तस्वीर में देखी होगी, बयान कर है हर तरह का संकट कटे, अगर सिद्धता हो, सच्चा दिलता हो, सच्ची भावना था तो सारे डाल के संकट काटे। आड़े कोई भी ठग्गा बड्डी नहीं है, लूट खसोट नहीं है, ना पैसे ले जाते, ना आड़े कोई और चीज दे जाती, शराब चढ़ दी नहीं, कुछ नहीं चढ़ती, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। सच्चे दिल से आओ और मतलब सुखी मन पाओ, मैं ये कह सकता हूं। आपने पूरी वीडियो देखी है, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दी, मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, नई अपडेट में, सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग, धन्यवाद।